नमस्कार दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप लोग पेटीएम को और भी सिक्योर बनाएं। ठीक है, यदि आपका ऐसा आता होगा पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आता होगा तो आपको डू लेटर मत कीजिएगा। देख रहे हैं, ऐसा यदि आता होगा तो आप इसको तुरंत ही एक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका ये आपका सिक्योरिटी है। ठीक है, इसको एक्टिवेट रखने के आपके बहुत फायदे हैं। ठीक है, यदि एक्टिवेट रखते हैं तो अदर मोबाइल में आपका लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि मान लीजिए किसी के हाथ में मोबाइल चला भी जाता है तो आपका पहले ही आपका सिक्योरिटी पिन मांगेगा, या आपका फिंगरप्रिंट्स के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट के द्वारा आपका हो गया, और एक होता है ये आपका यूज पिन के द्वारा, वो भी हम दिखा दे रहे हैं आपको कैसे यूज पिन के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका, जब देखिए जब आएगा आपका ऑप्शन में तो आप यूज पिन करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे आप फिंगरप्रिंट से कर रहे हैं, आपका देखिए यहाँ पर तो यूज पिन कर दीजिएगा। यूज पिन करेंगे वहाँ आपका पिन अपने हिसाब से डाल के उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली आपका मोबाइल पेटीएम डायरेक्ट कोई नहीं खोल सकता, यदि मान लीजिए अदर किसी के हाथ में जाता है तो आपका पिन मांगेगा। ठीक है, तो इसको आप डू लेटर मत कीजिएगा, इसको आपको लॉगिन करके रखना है। ये देखिए यूज पिन भी करेंगे तो यहाँ पर पिन डाल के भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं पिन डाल देता हूँ, पिन डाल के इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब यदि करेंगे तो आपका पिन मांगेगा, दोनों ऑप्शन हो जाएगा, या पैटर्न के द्वारा, ठीक है, या पासवर्ड के भी द्वारा, या आपका फिंगरप्रिंट के द्वारा, तीनों ऑप्शन आपका इसमें इनबिल्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर पिन डालेंगे तो आपका डायरेक्टली खुल जाएगा। तो गाइस, इस यदि आपका ये देता है तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, डू लेटर मत कीजिएगा, बाद में मत करने की कोशिश कीजिएगा, तुरंत ही करके रख लीजिए। ठीक है, यदि जब भी अपडेट आता है आपको तो आप उसको पहले ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, अपडेट को हमेशा आपको इंस्टॉल करके रखना, हमेशा अपडेट करके रखना है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं।